बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि एक महीने के अंदर अपराध में कमी और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सरकार यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो उनके विरुद्ध पूरे बिहार में जन आंदोलन किया जाएगा बीजेपी के नेताओं की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रही है, साथ ही जो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव होना है उसको लेकर उनका साफ कहना है कि जीत हमारी ही होगी। वहीं सरकार द्वारा दोनों पूर्व डिप्टी सीएम को आवास खाली करने और जुर्माना लगाने के सवाल पर विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को खूब तंज कसा है, तो वहीं सरकार को बताया है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है बिहार सरकार। अति पिछड़ा वर्ग की महिला को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री विजय चौधरी पर हमला बोलते हुए कि जिस तरीके से खुद जब विधानसभा अध्यक्ष बने तो वर्तमान वित्त मंत्री विजय चौधरी 8 महीने बाद बंगला खाली किए, इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की विजय चौधरी पर। वहीं उनका साफ कहना है कि भवन निर्माण मंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कि भवन निर्माण मंत्री विभाग भ्रष्टाचार के कंठ में डूबा हुआ है, उनके मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पोल खोल कर रख देंगे। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय में हैं और जिसको देखते उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर बोला है हमला। तो वहीं बता दें आपको कि उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है, वहीं समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी विजय कुमार सिन्हा ने दिए। देखिए जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका साफ कहना है कि भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट लोगों पर अगर बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार में जन आंदोलन का आगाज होगा। बीजेपी के तमाम नेता बिहार के अनेक जिलों में जन आंदोलन करेंगे। देखिए लगातार बिहार सरकार पर हमलावर दिखते हैं विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से बिहार विधानसभा के बने हैं उसके बाद बिहार सरकार के लगातार जो है पोल खोलते रहते हैं। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर खूब हमला बोला है। उनका साफ कहना है कि अब बीजेपी जन आंदोलन करेगी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो। वहीं भ्रष्ट अधिकारी का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है उसको लेकर भी विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि अगर सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देती है तो इस पर भी कार्रवाई जो है नहीं करती है तो जन आंदोलन होगा बिहार में। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है विजय कुमार सिन्हा ने। तो वहीं जो बंगला खाली करवाने की बात हो रही है उसको लेकर भी तमाम बातें उनका कहना था। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार सिन्हा तमाम बातें आपको हमने बताई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।